नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीकेजी स्टडीज एंड एसडीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन घर बैठे बैठे कैसे बनाना है, अपने मोबाइल से कैसे बनाना है, इसका डिस्कशन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर लोगों की ये प्रतिक्रिया थी कि सर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट क्या है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी ये पूछे जा रहे हैं। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए इस सेशन में हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है, उसका सर्टिफिकेट क्या है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट क्या है, कहाँ इसके फायदे होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सो जैसा कि आपको पता है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में विभिन्न प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब रिजर्वेशन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस की एलिजिबिलिटी क्या है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उससे भी मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे भी हमें जानना आवश्यक है। साथ ही कुछ जगहों पे इंटरव्यू वगैरह होता है, सो इंटरव्यूअर का पेट क्वेश्चन होता है, घुमा फिरा करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए होता है। जनरल कैटेगरी का मतलब वो शेड्यूल कास्ट SC में नहीं आते, ST में नहीं आते, OBC में नहीं आते, EBC में नहीं आते, उनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, अनरिजर्व्ड है। जो अनरिजर्व्ड है जनरल कैटेगरी के हैं, तो ये EWS जो है ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए ही बना हुआ है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 10% EWS आरक्षण प्रारंभ किया है। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो किसी भी आरक्षण के दायरे में नहीं आते, जो OBC, SC, ST, PH, किसी भी आरक्षण के दायरे में जो नहीं आते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए ये लागू होती है। इसके तहत नौकरी में रिजर्वेशन है, इसके लिए पढ़ाई में एडमिशन के लिए भी कट ऑफ में भी रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है, राइट। सो प्रश्न ये उठता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, ईडब्ल्यूएस इज व्हाई इंपॉर्टेंट। सो इसका पहला कारण ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। इससे पहले जितने भी रिजर्वेशन थे वो सोशल क्राइटेरिया पर बनाए गए थे। ये पहला ऐसा रिजर्वेशन है जो गरीबी को ध्यान में रख करके बनाया गया है, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके बनाया गया है। देर से ही सही, लेकिन संसद को यह समझ में आया कि गरीब तो गरीब होता है, और अगर गरीब जनरल कैटेगरी में है तो क्या उसका कुछ भी देखभाल नहीं होना चाहिए, क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए समाज के अंतिम पायदान पे? शायद इसका सॉल्यूशन लेकर के हुआ है और 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बनाया गया। और क्या है, UGC के तहत सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीट रिजर्व है, अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अटेंड करने के लिए जो हम एडमिशन कराते हैं तो एडमिशन में भी 10% का रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया है। और जाति और वर्ग के आधार पर, आरक्षण के आधार पर, यह जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देता है।
ये जाति से परे है, ये हमें जाति पात में नहीं बांटता, ये हमें सिर्फ ये देखता है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। अगर आप गरीब हैं तो चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, समाज को आपकी सहायता के लिए आनी चाहिए। और इसलिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था संसद ने की है। ठीक। सो इसके बाद से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जो है उसकी योग्यता क्या है, किसको मिलती है? हम तो अभी तक बोलते जा रहे हैं कि वीकर आवासीय भूखंड, अगेन रेसिडेंशियल प्लॉट, गांव गांव ग्रामीण इलाके में होनी चाहिए। सो ये जो दिया हुआ है ये इसकी योग्यता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं है, EWS इज नॉट फॉर यू। अगर आपकी आय 8 लाख से ऊपर है, EWS सर्टिफिकेट इज नॉट फॉर यू। अगर आपके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, EWS सर्टिफिकेट इज नॉट मेड फॉर यू। अगर आपके पास रेसिडेंशियल, जो जो आपके पास एकोमोडेशन रेसिडेंस है, हाउस है, हाउस अगर 100 वर्ग फुट से बड़ा है, नॉट एलिजिबल। अगर आपके पास शहर में प्लॉट जो है 100 वर्ग फुट से बड़ा है, नॉट एलिजिबल। अगर ग्रामीण इलाके में प्लॉट जो है 240 वर्ग गज से बड़ा है, नॉट एलिजिबल। बाकी सब लोग एलिजिबल है, राइट? सो प्रश्न ये उठता है, ये सारा जितना भी आपको क्राइटेरिया हमने बताया, आप देखिए ये जितना भी हमने क्राइटेरिया दिखाया, ये आवेदक परिवार कीजिए, ये सब आप परिवार का है, ये सब परिवार से रिलेटेड है। तो ये परिवार का डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ EWS सर्टिफिकेट के लिए है। परिवार की परिभाषा हर जगह बदली गई है। EWS में ये परिवार, OBC में ये परिवार का डेफिनेशन दूसरा है, EWS में परिवार का डेफिनेशन दूसरा है। तो कौन कौन इस परिवार में आते हैं? तो सबसे पहले तो वो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट, वो कंपटीटर जो आरक्षण की मांग करने वाले हैं, वो परिवार के सदस्य है। उनके माता पिता सदस्य हो गए, उनके भाई बहन जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनके जीवन साथी स्पाउस, पति पत्नी, और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ये परिवार की श्रेणी में आते हैं। अगर कैंडिडेट स्वयं कहीं पे सर्व कर रहे हैं और उनकी अर्निंग हो रही है, वो अर्निंग जोड़ी जाएगी। उनके मदर फादर कहीं पे सर्व कर रहे हैं और उनकी अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग को जोड़ी जाएगी। अगर भाई बहन 18 साल से कम उम्र के हुए और कहीं अर्निंग कर रहे हैं, वो उस जोड़ा जाएगा। पति पत्नी जो भी इसमें रिलेटिव हो, उनकी अर्निंग इसमें जोड़ी जाएगी। सब मिला करके आय, जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 8 लाख से ऊपर को क्रीमी लेयर कहा गया है, 8 लाख से नीचे को नॉन क्रीमी लेयर डिफाइन किया गया। ये जो 8 लाख है ना, ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करती रहती है। इसलिए परिवार की परिभाषा में इतने लोग आते हैं और इनको मिला करके आपकी परिसंपत्तियों को जांचा जाता है। ध्यान ये रखना है कि पात्रता शर्तों की जांच करते समय विभिन्न स्थानों में परिवार के स्वामित्व वाली भूमि या संपत्ति को क्लब किया जाना आवश्यक है। एक छोटा सा हाउस नागपुर में है, एक छोटा सा हाउस अयोध्या में है, एक छोटा सा हाउस वाराणसी में है, एक छोटा सा हाउस मथुरा में है, एक छोटा सा हाउस ऋषिकेश में है, एक छोटा सा हाउस प्रयागराज में है। अरे सबको जोड़ना पड़ेगा, सब जोड़ करके और तब टोटल कितना होता है उसके बेसिस पे EWS सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, आपका चैनल ऋषिकेश स्टडी, जिसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम से कम इसको शेयर तो कर ही सकते हैं। अब ये है कि EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो अगर आप हैंड रिटन फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाना होता है, उसके साथ आधार कार्ड अटैच करते हैं, उसके साथ बैंक स्टेटमेंट अटैच किया जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट अटैच किया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र
बर्थ सर्टिफिकेट अटैच किया जाता है, राशन कार्ड अगर है तो उसकी कॉपी लगानी है, निवास प्रमाण पत्र, कहाँ के आप रेसिडेंस, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, यही तो डिसाइड करेगा कि 8 लाख के ऊपर वाले हैं कि नीचे वाले। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको देना है, और आपका अगर मतदाता सूची में नाम है तो वो देना है। ये सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए विभिन्न चरणों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब कैसे बनवाएं? तो कैसे बनवाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बना सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बनाना है, इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और लोगों ने काफी सराहा है, आप उसको एक बार देख लें। घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन कैसे बनाना है? ऑफलाइन का हिसाब ऐसा है कि अपने राज्य के राजस्व विभाग के कार्यालय में जाना है, वहां से अप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिए या ऑनलाइन जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, दोनों ऑप्शन है। जितने भी आप आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भर दें, उसको फॉर्म को फिलअप करना है, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करना है, और अप्लीकेशन रिसीट सबमिट करें, और फीस कुछ फी होते हैं, कहीं कहीं पर फी नहीं है, कहीं कहीं पर फी है, वो फी भी देना है। कितना फी होता है? तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, स्टेट टू स्टेट ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट वेरी करता है, डिफर करता है, कहीं पे जीरो फी है और कहीं पे 10 रुपए से 50 रुपए के बीच में लगता है। हाँ, 2 रुपए का कोर्ट स्टाम्प फी जरूर लगता है, जो अगर आप ऑफलाइन अप्लीकेशन डाल रहे हैं तो कोर्ट स्टाम्प फी जो होता है वो 2 रुपए का उसमें साथ में लगता है। ठीक, कौन कौन इशू करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तभी तो पता चलेगा किसके पास हमें अप्रोच करना है। तो 3 स्तर हमने आपको ऑनलाइन वाले में बताए हैं, एक जिला स्तर पे, एक सब डिवीजन अनुमंडल स्तर पे, और एक ब्लॉक। ये 3 स्तर पे जारी होता है। तो जिला स्तर पे जिला अधिकारी करेंगे, अतिरिक्त उपायुक्त करेंगे, उप प्रभारी प्रभागीय न्यायाधीश करेंगे, अपर जिलाधिकारी करेंगे, कार्यकारी मजिस्ट्रेट करेंगे, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट करेंगे, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट करेंगे, जिला राजस्व कार्यालय, ये ब्लॉक में चले जाइए, और ब्लॉक में बीडीओ साहब होते हैं, बीडीओ साहब करेंगे, तहसीलदार साहब को भी कहीं कहीं पे डेलीगेट किया गया है, वो तहसीलदार साहब भी करते हैं। और अगर सब कुछ हो गया तो आपको कुछ दिनों में कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इंग्लिश में है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है उसका पूरा नाम होता है, ये फोटो जो होता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका है, और यहाँ पर फोटो लगाना है, यहाँ पर अपने सारे डिटेल लिखना है। अगर ये सब कुछ आपने सबमिट कर दिया तो ऐसा सर्टिफिकेट इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब यहाँ पर लिखा रहेगा। और ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपने इंग्लिश में ऑप्ट किया तो इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में ऑप्ट किया तो हिंदी में मिलेगा। बस हो गया, इतना ही सा है। तो हमने क्या क्या देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 में